मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट महानूर उमर और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम पूछो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। मौसम आज बहुत अच्छा है तो हमने कहा जरा बाहर निकलते हैं, शो करते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। इस वक्त हम चिड़ियाघर में हैं। व्यूअर्स, थोड़ा सा हम आपको बताते चलें कि आज जो है वो वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है। आपको पता है बहुत सारे लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं होती है। कैंसर बिल्कुल जब थर्ड स्टेज पे आ जाता है या सेकंड लास्ट स्टेज पे होता है तो तब जाके डायग्नोज होता है और तब हमारे पास कुछ भी नहीं बचता है। तो कोशिश करें कि चाहे वो लंग्स का कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, या जो भी आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आ रही हैं तो आपको टेस्ट करवाना चाहिए। ख़ास करके जो ख़वातीन हैं उनको तो ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज़्यादा अलामात शो हो जाती हैं, उनको भी चाहिए कि वो अपना बर वक्त जो है वो टेस्ट करवाते रहें, देखिए अगर उनको कुछ ऐसा शो होता है। और आपको बताया जैसे कि लंग्स कैंसर डे आज मनाया जा रहा है तो बहुत सारे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं, वेप पीते हैं, इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें होती हैं उसका यूज़ करते हैं तो ये बहुत ख़तरनाक है आपके लंग्स के लिए। तो कोशिश करें कि आप अवॉइड करें अगर आप चाहते हैं आपके फेफड़े जो हैं वो तंदुरुस्त रहें, आपको सांस अच्छा आ सके, बुढ़ापे में जाके आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना ना हो, तो उसके लिए आपको स्मोकिंग से और बहुत सी ऐसी चीज़ें जिसमें निकोटीन होती है उससे अवॉइड करेंगे तो आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। क्योंकि सेहत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारा पैसा इकट्ठा करके भी सेहत नहीं खरीद सकते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपने इन चीज़ों को अवॉइड करना है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के सवाल से। हमारा सवाल है, आजकल चूंकि हम ज़ू हैं तो हमने जानवरों से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकाला है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपनी स्किन से यानी जल्द से सांस लेता है। तो अगर तो आपको जानवरों के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन है या इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको उसका जवाब यकीनन आता होगा। यहाँ पर जो लोग आए हुए फैमिलीज आए हुए हम उनसे पूछते हैं, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? आयशा बिलाल। आयशा, क्या करती हैं आप? हाउसवाइफ। आपका क्या नाम है? रामीन। रामीन आपकी बेटी? जी बिल्कुल बेटी। एक ही बेटी है? नहीं, दो बच्चे हैं। दो बच्चे हैं। दूसरा कहाँ है? दूसरा अपनी दादों के पास। दादों के पास। ऐसे चले, मुझे ये बताएं कि आज कैसे प्लान बना जू आने का? बस इनकी दादो आई हुई थी तो सोचा चक्कर लगा। तो साथ नहीं रहती? मतलब आती जाती रहती हैं। आती जाती रहती हैं। चले, आप लाहौर से? आपका ताल्लुक? बिल्कुल लाहौर से। आयशा पहले क्या करती थी शादी से पहले? शादी से पहले कुछ भी नहीं, घर पे ही होती थी, स्टडी कर रही थी। शादी के बाद काम किया था ऑनलाइन। ठीक है, तो ऑनलाइन अभी भी कर रही हैं? ऑनलाइन SH तो नहीं कर रही, लेकिन वो ये है कि ऑन एंड ऑफ चलता रहता है। तो किस चीज़ का काम स्टार्ट किया? ब्रांडेड क्लोथिंग ब्रांड। खुद ही बनाए? नहीं, कपड़े लेके स्टिच करवा के अमेरिका वगैरह भेजे। डिफरेंटली वो जो काम वाले कपड़े होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, वैसे व्यूअर्स आपको पता है कि वो इसकी बड़ी डिमांड है बाहर के मुल्क वाले, एक तो पैसे भी बहुत ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई एक बंदा होना चाहिए जो आता जाता रहता हो बाहर। वर्कर हैं, वर्कर वैसे काम के लिए भी वर्कर हैं और दूसरा वैसे भी वो हो गया, चल रहा है काम। चले, अल्लाह आपको कामयाब करे। और ऐसे ही करती नहीं, आपने हाउस वाइफ प्रॉपर बन के नहीं बैठना, कोई ना कोई काम करते रहना है। रामीन, आप मुझे बताएं आप कौन सी क्लास में हैं? नर्सरी में। और क्या बनना चाहती हैं आप बड़ी होकर? डॉक्टर। अच्छा, चलें बताएं कि ज़्यादा मामा फरमाइशें मानती हैं या बाबा? रामीन की जिद कौन सुनता है ज़्यादा, बाबा या मामा? दादो। चलने से कहा ना मामा ना बाबा, दादो करती हैं। तो आप बताएं, हमारा आज का सवाल है, जू आई हुई है तो वैसे आपको कैसा लग रहा है एनवायरनमेंट, एनिमल कौन सा अच्छा लगा? टाइगर वगैरह देखें, बहुत मज़ा आया देख के। देखिए, आपने क्वेश्चन है हमारा आज का जानवरों से रिलेटेड ही कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी जिल्द से सांस लेता है, अपनी स्किन से। सांप? नहीं, मेंढक। हमारा आपने लग गया, हाँ लग गया तुक्का। तुक्का ही मारा मुझे। अच्छा, चले ठीक है, अब आप मुझे बताएं, दूसरा सवाल आपसे नहीं करेंगे, आपने एक पहला जवाब दे दिया है। क्या सुनाएंगी रामीन? रामीन क्या सुनाओगी? पोइम सुना दो। ट्विंकल ट्विंकल आती है? नहीं, इसको जब वो सुना दो, हम सुना दो, जब भी कोई काम करो, जब भी कोई काम, जल्दी सुना दे रामीन। आपको इतने सारे लोग आपको कैमरा में देख रहे हैं, आप सुना दें जल्दी से। चलो चलो, जब भी कोई काम करो, जब भी कोई काम करो, बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो रब तिशानी ला लिया, सब दुनिया तबा लिया, उससे ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा नहीं है, उसने हमें दुरान दिया, उसने हमें अमान दिया, जब भी कोई काम करो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो रो। चलिए, वेरी गुड। आपको मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, अच्छा लगा आके, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चों के साथ अपनी आई हुई थी, और कभी कभी ऐसा होता है कि जब माँ बाप बच्चों की बात नहीं मानते हैं, उनके नाज रख नखरे नहीं उठाते हैं, तो ये जो दादियाँ और नानियाँ होती हैं ना, ये जो रिश्ते होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, यही होते हैं जो हमारी ज़िद्दे में मान लेते हैं, और यही होते हैं जब अम्मा अब्बा से मार पड़ने लगे तो हमें बचा लेते हैं। तो ये बड़े खूबसूरत रिश्ते होते हैं, अपने रिश्तों की कदर करें। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? कवल। आपका क्या नाम है? मीरब। आप दोनों बच्चों का क्या नाम है?
हाशिर। आपका? आपको तो मुझे लगता है बड़ी गर्मी लग रही है। बच्चे आपके तीनों? हाँ जी। अच्छा, माशाल्लाह। कैसे आज प्लान बना है जू आने का बच्चों को लेकर आई? छुट्टियाँ थी ना बच्चों को, इस वजह से। छुट्टियाँ मेरे ख्याल है खत्म होने वाली है। हाँ जी। अब क्या सोचा है, ये जो छुट्टियाँ रह गई हैं इसमें क्या क्या करना है? वेदर बहुत अच्छे तो क्या हम थोड़ा सा इंजॉय कर लें। और कहीं जाने, कहीं प्लान होते हैं ना छुट्टियों में, अब आखिरी दिन रह जाते हैं तो जल्दी कहते हैं ये छुट्टियाँ भी कंज्यूम कर लें कोई अच्छे अच्छे काम करके, तो क्या करना है आगे? और कहीं घूमने फिरने जाना है? जी हम विजिट करेंगे अगर वेदर अच्छा हुआ। लाहौर से ताल्लुक है आपका? हाँ जी, लाहौर से ही ताल्लुक है। आप कौन सी क्लास में हैं? फोर्थ ब्लू। फोर्थ। और आप कौन सी क्लास में? आप स्कूल जाती हैं? हाँ। जाती हैं, तो आपको कौन सी टीचर अच्छी लगती हैं? तो मुझे लगता है अभी स्कूल नहीं जाती होंगी कि जाती हैं? अभी दो साल से बता दिए कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो स्कूल जाना है आपने? जाना है। मामा अच्छी लगती हैं बाबा? एनिमल कौन सा अच्छा लगा है यहाँ पे? टाइगर अच्छा लगे या मंकी? टाइगर अच्छा लगा। आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगा? सारे। सारे कोई होगा ना एक फेवरेट होगा? मंकी। मंकी की फनी हरकतें करता है इसलिए। तो आप मुझे बताएं, आपको पता है कि मंकी का फेवरेट फूड कौन सा है? मंकी का फेवरेट फ्रूट बनाना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा चलिए, एक क्वेश्चन है हमारा आज का एनिमल से रिलेटेड, ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया, मैंने कहा देखती हूँ आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। जो फेवरेट एनिमल है वो कौन से ऐसा एनिमल है जो कि अपनी स्किन से सांस लेता है? स्किन से फिश? नो। बताए क्या सुनाएंगे आप? सवाल आता है जवाब आया कि नहीं, कोई तुक्का मार लें। मंकी? नहीं नहीं नहीं, स्किन से। स्किन से क्या आपने कहा? मंकी। नो। चलें कोई बात नहीं, आप क्या सुनाएंगी? थोड़ा आगे आ जाएं, आप सुना दें। नहीं सुना दें। आपको कुछ आते हैं, कोई स्पीच, कौमी तराना, मिली नगमा? मुझे एक, मैं आपको गाना सुना सकती? सुना दें। कौन सा सुनाओ? कोई भी सुना दे जो आपको आता है, थोड़ा सा सुना दे। हुसन तेरा ओ तोबा तोबा, बस इतना। बस इतना ही आता है? ये तो आपने वर्ड्स ही कहे हैं सिर्फ। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। आपने देखा कि बच्चों ने जो है वो जवाब तो नहीं दे सके हैं, कुछ सुना भी नहीं सके, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और भी लोग आए हुए हैं, फैमिलीज आई हुई हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है? मुनीबा। आपका? खदीजा। आपका? रेहान। कहाँ से आए हो? हम उकाड़ा से आए हैं, यहाँ मेहमान आए। अरे वाह, तो खाला खूब खातिर तवाज़ो कर रही हैं, खिला पिला रही हैं, घुमा रही हैं? जी। यस। क्या क्या अभी तक खा पी लिए, कहाँ कहाँ गए हो? अभी तक हम जू ही आए हैं। आज कब आए, कब हो? हम एक हफ्ता हो गया हमें। हफ्ता हो गया, अभी सिर्फ जू ही आए हो? उससे पहले कंजूस खाला है। बड़ी कंजूस निकली। महीने का एंड चल रहा है खाला का मेरी तरह। अच्छा चले, सामने देखें, आपने सामने देख के बात करनी है, ठीक है? तो आप मुझे तीनों बताएं कौन कौन सी क्लास में है? मैं 7। आप? मैं 3। आप? मैं भी 3। आप भी 3 में है? दोनों आप दोनों बहन भाई हो? नहीं, कजन हो? नहीं नहीं, इसकी इसकी जो मम्मा है ना वो मेरी कजन है। हैं? इसकी जो मम्मा है वो आपकी कजन है? हाँ जी। मम्मा ने बड़ी छोटी उम्र में शादी कर ली। आप किसके कजन है? मैं। आपके अम्मी अबू का क्या नाम है? राशिद और आयशा। शुक्र है, याद है बच्चों को अपनी अम्मा अबा के नाम। चलें बताएं, आज जू में कौन सा एनिमल अच्छा लगा आप तीनों को? मुझे हाथी। हंस गया था तेरा ही। अच्छा आप? ज़ेब्रा। आप? मुझे क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल, ठीक है। सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा एनिमल है जो कि अपनी जिल्द से सांस लेता है, यानी स्किन से? लाइन। शेर। गलत जवाब हो गया है। अब जाहिर है सबका ही गलत हो गया, गलत जवाब दोगे तो गलत ही होगा। तो आप तीनों क्या सुनाएंगे? मैं पोइम। आप? मुझे कुछ नहीं आता। गाना आता है? गाना तो आता ही होगा। नहीं, नगमा आता है? दिल दिल पाकिस्तान। नहीं। आपको? शेर। चलें सुनाए, शेर आया बड़ी जोर से। लोग बनाते गए हम बनते गए। सामने देखे बेटा, सामने। लोग बनाते गए हम बनते गए, कभी मजाक कभी तमाशा। ओए होए होए होए, क्या बात। लोग कहते हैं कि मेरी यार ना बिछ रही, और मैं कहती हूँ मेरी माँ ना बिछ रही। जबरदस्त। जो पहला शेर सुनाया था वो जरा दोबारा सुनाना। लोग बनाते गए हम बनते गए, राना जी। लोग बनाते गए हम बनते गए, कभी मजाक कभी तमाशा।
वाह 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 वाह, ये बीच में जो राना है ना, इसकी क्या ही बात है। चले आप तीनों ने आपने सुना दिया, अब आप सुना दे पोइम। पोइम सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल आती, अब्बू लाए मोटर कार आती, सुनाओ। अब्बू लाए मोटर कार, उठे नीचे चपाइये चार, ना हंसो वो चलती है, पापा पापा करती है, आगे जाए पीछे जाए, गाएं बाएं मुड़ जाती है। जबरदस्त, चले थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। आपने देखा बड़ी प्यारे बच्चे, और हमने इनसे बात की, शेर क्या सुना गई है बच्ची। बस मैं कहती हूँ एंड हो गया, आखिर हो गई है। तो चले हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? वसीहा। आपका? दायना। आपका क्या नाम? ज़ैफ़ा। दोनों क्या लगती हैं? बहने हैं। बहने हैं। आप बड़ी, आप छोटी, कौन बड़ी? आप बड़ी। आप बड़ी हैं और आप छोटी हैं। तो क्या जिंदगी में क्या कर रही हैं, क्या करना चाहती हैं? मैं आर्टिस्ट बनना चाहती हूँ। आर्टिस्ट? कैसी आर्टिस्ट बनना चाहती हैं? मतलब कोई सी भी, जो भी बन गई। मतलब आर्टिस्ट की भी कैटेगरी होती है, मेकअप आर्टिस्ट बनेंगी, पेंटिंग करेंगी, आप एक्टिंग में जाएंगी, सिंगिंग में, ये सारे आर्टिस्ट में ही आते हैं ना। पेंटिंग का शौक। पेंटिंग का शौक है। अच्छी ड्राइंग है आपकी? बहुत। आप? मैं डॉक्टर। डॉक्टर बन रही हैं या बनेंगी? बन रही हूँ। बन रही हैं। MBBS कर रही हैं? नहीं, फार्माकोलॉजिस्ट। वो तो डॉक्टर नहीं होता। वो भी डॉक्टर ही होता है। हाँ, ये हमारा, हाँ, थोड़ा सा इशू है कि हम कह देते हैं लेकिन जरा थोड़ा सा ना होते हैं ना, इसलिए। लेकिन वो आधे डॉक्टर होते हैं, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि वो डॉक्टर कंसीडर नहीं होते हैं। बहुत सारा लोग जो है, न्यूट्रिशनिस्ट भी डॉक्टर नहीं कंसीडर होते। देखिए, ये उनके रूल्स मेरा ख्याल है उन्होंने जारी किए हैं कि कौन अपने साथ डॉक्टर लगा सकते हैं कौन नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क है कि अगर आप किसी को गलत इंजेक्शन लगा दें, कुछ गलत कर लें, तो एक तो आपके पास डिग्री नहीं है डॉक्टर की, तो फिर आप तो गए ना, आप तो गए। ऐसा भी बात नहीं है, मिल जाती है डिग्री फार्माकोलॉजिस्ट की। ऐसा ही है। चलें ठीक है। हमारा सवाल है आज का कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि जिल्द से सांस लेता है। जिल्द से सांस? मुझे लग रहा है तुम्हें पता है, हो तुम छोटू लेकिन सब पता है। आओ, मुझे नहीं पता। नहीं पता? अच्छा बताएं। नहीं पता। नहीं पता है। क्या शेयर करेंगी आज, क्या सुनाएंगी? शेर आता है? शेर आता है लेकिन भूला हुआ है। चलिए आप याद करें, तब तक हम बच्चे से पोइम सुनते हैं। आप सुनाएं, पोइम आती है? Rain, rain, go away, come again another day later, Johnny want to play. Rain, go away, now show face again. बड़ी कोई बेदर्दी से सुनाया है, रेन रेन गो अवे कम अगेन सम अदर डे, है ना। मतलब आज रेन हुई है, आज बारिश हुई है? हाँ जी हुई थी। अच्छा, हल्की सी बारिश हुई है। चले आपने आई होप निकाल लिया होगा शेर अभी तक। नहीं निकाला? अच्छा, मुझे लगा शायद मोबाइल पे शेर निकाल रही थी। कोई पैगाम देना चाहेंगी? गर्मी है, गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए। आप, मुझे लग रहा है आप आवाज़ आ रही हूँ बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच, घर जाए, इन्जॉय करें, पंखे के नीचे, एसी के नीचे बैठे। थैंक यू। आपने देखा कि बाहर तो आप निकल आते हैं, लेकिन ये ज़रा देख लें कि वेदर कैसा है। अक्सर ये होता है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश तो हो जाती है, हम तो बड़ा देखते हैं और कहते हैं चलें बारिश होगी, बाहर निकलते हैं, घूमते हैं फिरते हैं, पकौड़े खाते हैं, लेकिन होता ये है कि वो जो ह्यूमिडिटी होती है ना, वो जो हब्स है, उससे बंदे की जान निकल जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद हसन। आपका? अहमद रजा। अहमद और मोहम्मद हसन, कौन सी क्लास में आप दोनों? मैं तू में हूँ। आप क्या चाहते हैं, आप क्या बने बड़े होकर? मैं डॉक्टर। आप? मैं भी डॉक्टर। आप भी डॉक्टर। दोनों में से ज़्यादा शरारती कौन है? ये आपका बड़ा भाई है? अच्छा, बड़ा भाई शरारती है। वैसे छोटे बच्चे होते हैं शरारती, है ना? क्या शरारत करते हैं आप? वो किसी चीज़ के अंदर किसी को मारना, किसी की चीज़ या के भाग देना, किसी की चीज़ तोड़ देना, ऐसी शरारतें वगैरह। ये तो बुरी शरारत होती है। ये जो मारना होता है ना, ये तो बैड हैबिट है, ये नहीं करना आपने। ठीक है? ठीक है। ठीक है, वरना अगर करोगे तो फिर तुम्हारा इंटरव्यू नहीं चलाऊंगी। ठीक है। ठीक है, छोड़ दोगे मैं हाथ से मारना? छोड़ दे। छोड़ देंगे। चले सवाल है, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपनी जिल्द से सांस लेता है, स्किन से? क्रोकोडाइल। वाला जवाब। आपको कौन सा जानवर पसंद है? मुझे जिराफा। और आपको? मुझे हिरन। हिरन पसंद है? हिरन में क्या अच्छा लगता है आपको? इसकी लंबी सी गर्दन होती है, है ना? चलें मुझे बताएं आप दोनों क्या सुनाएंगे। मैं कोई आती है? मुझे कोमित नाम आता है। सुनाएं। पाक सामने देखें बेटा, सामने सर जमीन शान बाग,
قوت یا قوت ابار کو مل ترک کر. بیٹے نہ یہ زیادتی کرو, قومی ترانہ جا کے یاد کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ صحیح ہے, دل دل پاکستان آتا ہے نہیں آتا, قومی ترانہ آپ نے یاد کرنا ہے جا کے, ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کرنا حوال احوال, اوکے؟ آپ کیا سناؤ گے؟ کچھ بھی نہیں. کوئی تلاوت آتی ہے؟ قل هو اللہ آتی ہے؟ سناؤ. قل هو اللہ, اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد, لم یکن له کفواً احد. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. ویز آپ نے دیکھا بچے ہیں, چھوٹے بچے معصوم ہوتے ہیں, قومی ترانہ اکثر بچوں کو نہیں آتا, تو جو پیرنٹس ہیں وہ بجائے اس کے کہ بچوں کو موبائل پہ کہیں کہ ٹائم دیکھو, موویز دیکھو, یوٹیوب دیکھو, بجائے اس کے کہ وہ یہ چیزیں اگر سکھائیں تو بچوں میں بہت بہتری آ جائے گی. ویز یہاں پہ وقت ہوئے ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہے بوجھو تو جی, تو اسٹے ود اس. ویلکم بیک ویورز, ہم آ چکے ہیں واپس. اس وقت ہمیں چڑیا گھر میں اور بڑے پیارے لوگ آئے ہیں, فیملیز آئیں گے, بچے آئے ہوئے, اتنے کیوٹ کیوٹ بچے ہیں کہ پیار آتا ہے ان پہ. تو چلیے ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں آج وہ کیا بتاتے ہیں, کیا وہ سناتے ہیں, کیا ان کے اندر ٹیلنٹ ہے, بڑوں کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. تو آئیے چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ایان عزیز. آپ کا؟ شیما عزیز. آپ کا کیا نام ہے؟ رشا. بڑا چشمہ لگایا ہوا ہے آپ نے, نظر آ رہا ہے. تو آپ کا کیا نام ہے؟ انایا. انایا کون سی کلاس میں ہے؟ میں اسکول جاتی ہوں. ابھی چھٹیاں. ابھی چھٹیاں ہیں. ویسے کون سی کلاس میں ہو؟ میں پی جی. پی جی میں. اچھا, اور آپ؟ تھری. لگ تو نہیں رہا کہ تم تھری میں ہو. تھری میں یہ پلے گروپ میں. پلے گروپ میں. یہاں دیکھا بچے جو ہیں وہ, میں نے کہا اتنا چھوٹا پیس اور وہ تھری میں ہو ہی نہیں سکتا. آپ بتائیں. میں فور میں. فور میں. اور آپ؟ نائنتھ میں. نائنتھ میں. کیا چاہتی ہیں, کیا کرنا چاہتی ہیں لائف میں بڑے ہو کے, اور مزید بڑے ہو کے کیا بننا ہے؟ میں نے بس کسی اچھی پوسٹ پہ جانا ہے, جاب کرنی ہے. آپ نے کیا بننا ہے بڑے ہو کے؟ ٹیچر. آپ نے؟ ڈاکٹر. بیٹا اس طرح اگر تم کرو گی نا تو تم غلط کرو گی, اگر یہ تھری کلاس میں تم نے بول دیا. ڈاکٹر. اچھا کرتی ہو کیا ڈاکٹر؟ ڈاکٹر اچھا کھیلتی ہو. ڈاکٹر بننا ہے بڑے ہو کر. اس کے علاوہ کیا بننا ہے؟ میں پولیس والی. پولیس والی بن کے کیا کرو گی؟ میں جیل میں ڈال دوں گی لوگوں کو. جیل میں ڈال دو گی بلا وجہ؟ کیوں؟ یہ کیونکہ چوری کرتے ہیں. ہاں یہ ہوئی نا بات, مطلب کہ جو غلط کام کرے گا, چوری کرے گا, اس کو جیل میں ڈالو گی. کوئی لڑائی کرے گا اس کو بھی ڈال دو گی؟ ہاں سب کو ڈال دو گی جیل میں. ہاں اچھا ٹھیک ہے. گھر میں سب سے پہلے کس کو ڈالو گی جیل میں؟ ہاں ہاں پاپا کو. پاپا نے ایسا کیا کیا؟ پاپا نا جو لوگوں کو مارتے ہیں ان کو. پاپا لگتا ہے پاپا جو ہے وہ بدماشی کرتے ہیں. پہلے پاپا کو ہی ڈال دو گی؟ ہاں. پھر ماما کو؟ ہاں. پھر اپنے آپ کو؟ ہاں. اپنے آپ کو بھی ڈال دو گی؟ ہاں. پھر تالا کون کھولے گا؟ میں خود ہی, میرے پاس چابی تو ہے. ہاں چابی. کہاں سے آئی ہو؟ لاہور سے تو نہیں لگ رہی آپ. میں تو لاہور سے ہی لگ رہی ہوں. لاہور. لاہور سے آئی ہو؟ کہاں سے آئی ہو لاہور سے؟ میں نا آئی ہوں گاؤں سے. پوچھ رہی ہوں کون سے گاؤں سے آئی ہو؟ میں اب ہاں بتاؤ کون سے گاؤں سے آئی ہو؟ میں اپنے دادوں گاؤں سے. اچھا چلو ٹھیک ہے, بہت ہی پیاری بچی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا آج کا سوال ہے, آپ نے بھی بتانا ہے, وہ کون سا ایسا جانور ہے جو کہ اپنی جلد سے سانس لیتا ہے, اپنی اسکن سے؟ نہیں پتا جی جانور. آپ کو ویسے کون سا اینیمل اچھا لگا آج زو میں؟ آج مجھے لائن. لائن. آپ کو؟ لائن. آپ کو؟ لائن. آپ کو کون سا اینیمل اچھا لگا آج؟ فش. فش. تو وہ باقی جو اتنے بڑے بڑے جانور ہیں وہ نہیں اچھے لگے؟ منکی نہیں اچھا لگا؟ منکی. ہاں وہ اس کے کان ایسے ہوتے ہیں. کیسے؟ ایسے آپ جیسے ہوتے ہیں؟
ऐसे वाले। कैसे वाले? अच्छा मुझे बताओ कि जब मामा जो है वो ज्यादा अच्छी लगती हैं या बाबा ज्यादा अच्छी लगते हैं? बाबा। बाबा अभी तो कह रही थी बाबा को जेल में डाल दूंगी। वो तो मैं मजाक से कह रही हूँ। मजाक कर रही हो मेरे साथ? मैं अच्छी लगी हूँ? हाँ। हाँ, सच बताओ क्या अच्छा लगा है मेरे में? आप। आप। आप बहुत अच्छी लगती हूँ। मैं बहुत अच्छी लगी हूँ। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। ये होती है व्यूअर्स जबरदस्ती की तारीफ। आप सारे बच्चे कुछ सुनाएंगे, कोई पोईम, कोई नात, कुछ नगमा सुना सकते हैं? शेर आता है? शेर नहीं। कोई आपको आता है? आपको? आपको? मुझे मछली का बच्चा आता है। मछली का बच्चा आता है? सुना दे जी मछली का बच्चा, इधर सामने देखो। चले मछली का बच्चा अंडे से निकला, पानी में फिसला। कोई और सुना दे। मछली जल की रानी आता है? आता है। वो सुनाए। मछली फंस गई। मैं जरा एक दफा मैं तो बोल के दिखाओ। बोलो जरा मैं। अच्छा अभी उसने व्यूअर्स ऐसे नहीं बोला जैसे पहले बोल रही थी। अच्छा ये बोल के दिखाओ, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ 5 दफा बोल रहे तेज तेज। कच्चा पापड़ पक्का पापड़। फंस गई ना, जल्दी जल्दी बोलना है 5 टाइम्स ऐसे। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। नो। कच्चा पापड़ ही आप करके दिखाएं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़। बढ़िया आपने कर ही लिया, आप करके दिखाएं। कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़। फंस गए आप। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा हो गया वो पापड़। ठीक है चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स आपने देखा बड़े प्यारे बच्चे थे, और बच्चों की ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी बातें होती हैं, मासूम बातें हैं, और बच्चे मन के सच्चे होते हैं, जो उनके मुंह में आता है वो बोल देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे होते हैं मन के सच्चे, वो भी ऐसे करते हैं, जो मुँह में आता है वो बोल देते हैं। इस पर भी हमें ज़रा थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, इतना बड़बोला भी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, और भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, फैमिलीज़ बड़ी प्यारी प्यारी, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? नादिया। आपका क्या नाम है? फिजान तारिक। आपका? फिजान तारिक। बड़ी कोई नींद में लग रही हो आप तो, मुझे नींद आ रही है। ओय 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 ओय। सुबह कितने बजे उठी थी? सुबह कितने बजे उठते हैं ये बताएं। हम सुबह 4 बजे सारे उठते हैं। आप कितने बजे उठते हैं? 4 बजे। ओय ओय ओय। सुबह 4 बजे अजानों के वक्त? अच्छा माशाल्लाह। आप कितने बजे उठती हैं? 5 बजे। 5 बजे फिर दिन में भी सोती हैं कि नहीं? थोड़ा सा थोड़ा सा। चले ठीक है, आज कैसे आना मौजू, और आप लोग आए कहाँ से? हम आए हैं लाहौर से, पथी ग्राउंड से। ठीक है, आप सरगोधा से आए हैं, ये आप कजन हैं आपस में? सवाल है मुझे ये बताएं कि वो कौन से ऐसे जानवर है जो जिल्द से सांस लेता है? वो दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा? नहीं, दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा गलत जवाब हो गया। सवाल आपसे पूछ लिया, आपको नहीं आया, आप बताएं आप सारे क्या सुनाएंगे? तिलावत। आप? तिलावत। फिर आता है कोई? जी आता है। क्या सुनाएं? इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। हाय हाय क्या बात क्या बात, आप बताएं। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानि रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। सदकल्लाहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أزرع كي غريا سوي بريتي غنتي بجاو اسكو جگاو توبا توبا میں نہ جگا وہ اٹھ پڑی حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا اله الا الله. چلیں جی بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تھینک یو سو مچ، تھینک یو ویورز. آپ نے دیکھا انہوں نے تلاوت سنائی، کسی نے شعر سنایا، اور ہم آگے چلتے ہیں، اور لوگ ہیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. کیا نام ہے آپ کا؟ مریم. آپ کا؟ طیبہ. آپ کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ کیا نام ہے بھیا؟ بھیا کیا نام ہے؟ دو نہیں بول رہا بھائی. کیا کرتے ہیں آپ دونوں، کون سی کلاس میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ میں
फर्स्ट ईयर में हूँ। और आप? सिक्स में। आप तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा तैयार होकर आई हैं आज, बताएं कैसे आना हुआ जू? मेरा दिल कर रहा था देखने को। लाहौर से आई हैं? हाँ जी। आप भी? जी। अच्छा, दोनों जो है पक्की दोस्तें लग रही हैं कि कज़न्स हैं? सिस्टर हैं। सिस्टर्स हैं। आप छोटी हैं और आप बड़ी हैं। आप क्या लाइफ में करना चाहती हैं? डॉक्टर। और आप? एक्टिंग। एक्टिंग? किसकी एक्टिंग? ड्रामोगी। अच्छा, मुझे बताएंगे ड्रामे टिकटॉक बनाती हैं? हाँ जी। अरे वाह वाह, यही उम्मीद थी। चले मुझे ये बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि स्किन से सांस लेता है? नहीं पता। एक्टिंग किस चीज़ की ज़्यादा पसंद है? एक्टिंग ड्रामो की ज़्यादा पसंद है। ड्रामो में बहन कोई कैरेक्टर भी तो होता है, कैरेक्टर कोई सास का, नंद का, बहू का, बेटी का, गर्लफ्रेंड का। शरारती लग रही हो तुम। परांठ औरत कमोलिका बनना चाहती हो। कमोलिका के एक का कैरेक्टर देखा तुम लोग? तो खैर बच्चों हमारे ज़माने का था। कमोलिका का पता है कौन? नहीं। ड्रामा लगता था इंडियन, वहाँ की एक एक्ट्रेस थी कमोलिका, उसके ऐसे तुम्हारी तरह लिट्टे हुआ अगर। जवाब आपको नहीं आता, आप कुछ सुनाएंगी दोनों? कोई डायलॉग आता है? एक्टिंग आपको आती है? डायलॉग तो बोल के दिखाएं। बोला जौन सा था, हम गर्मी का आ रहे थे। तुम करो ना, जरा सपोर्ट कर दो उसको थोड़ा सा। चलो मैं कर देती हूँ। मैं बोलती हूँ अम्मा सॉरी, मैंने आज खाना नहीं बनाया। नहीं, मैंने खाना था, पास्ता। एंजी दी सास होवे ना तो नू फिर एंजी करेगी। अम्मा गलती हो गई, आज नहीं खाना बनाया, मेकअप में मसरूफ थी। नहीं नहीं कहती परी। शर्मा रही है दोनों। चले ठीक है, और कुछ सुनाएंगी आप? शेर। सुनाए शेर। अलमारी को रंग किया, लाखों को तंग किया, हजारों को छोड़ के बस आप ही को पसंद किया। वाह वाह वाह, क्या बात, ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि उन्होंने जो है वो अलमारी वाला जो है वो एक शेर सुना दिया। ये मेरे प्रीवियस शो में भी जो है वो सुनाया गया था, अलमारियों वाले शेर आ रहे हैं। क्या हो रहा है ये ज़िंदगी में, आगे बढ़ते हैं और भी लोग हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आप? असगर अली। ठीक है आप? शुक्र अल्लाह। दोनों क्या लगते हैं बच्चे प्यारे? पोता पोती हैं। पोता पोतियों से बच्चों, अपने बच्चों से ज़्यादा पोते पोतियों से की मोहब्बत होती है? वो कहते हैं ना बूझ से ब्याज अच्छा है। बहुत से ब्याज अच्छा है। हाँ जी। इसका क्या मतलब होता है? यानी कि सूद से ब्याज अच्छा है। अच्छा, चले वैसे मुझे सही से समझ नहीं आई, आपका क्या नाम है बेटा? खदीजा। खदीजा, और आपका क्या नाम है? ये बोलते हैं नहीं, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मूसा नाम है। तो मूसा जो है वो कितने साल का है? ये ढाई साल का। आप कितने साल की हैं? पाँच साल की। पाँच साल की। आप स्कूल जाती हैं? कौन सी क्लास में है? प्रेप। प्रेप में। अच्छा, आपको अपनी कौन सी टीचर सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? मिस सना। मिस सना अच्छी लगती हैं। और आज मामा पापा के साथ आई हूँ, दादा लगते हैं ना आप इनके? जी मैं दादा। दादा जान के साथ आई हैं? मम्मा पापा के। मम्मा पापा भी आए हैं। क्या बनना चाहती हैं आप बड़े होकर? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हैं। चलिए मुझे बताएं, हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जिल्द से सांस लेता है, अपनी स्किन से? बताओ। पता है आपको? आपको कौन सा एनिमल अच्छा लगता है? आप बताएं कौन सा ऐसा जानवर है जो जल्द से सांस लेता है? मैं बांज पढ़ा हूँ, पहले ज़माने की अनपढ़ हूँ आदमी। वैसे ही पता होता है इंसान को, जनरल नॉलेज का शौक होता है। मुझे नहीं पता। चले बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कोई पोइम सुनाएंगी आप? सुनाएं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्चे और पॉइंट इन्होंने सुनाई, और बच्चों का बड़ा दिल होता है कैमरे पे आए, और जो स्पेशली ये नाना दादा होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनका दिल होता है कि वो बच्चे कैमरे पे आए, ज़रा थोड़ा सा हाय और बाय कर दें जैसे कि इन्होंने किया। हम आगे चलते हैं, और लोग हैं यहाँ पे फैमिलीज, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहिर। ताहिर, क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। मुझे लगा आप व्लॉगिंग करते हैं। व्लॉगिंग भी करते हैं। आपका क्या नाम है? फातिमा। आपका? कौन सी क्लास में आयत? स्कूल जाती हैं आप? स्कूल जाती हैं? हाँ। एनिमल कौन सा अच्छा लगा आपको आज जू में? बहुत अच्छा। कोई एक बताएं कौन सा ज़्यादा आपको फेवरेट लगा है? मंकी। बहुत मंकी। मंकी आपको? नहीं। आये शर्मारी, आप मुझे बताएं कि कैसे आज प्लान बना है जू का? सडन प्लान बना है या प्लान से आए? मौसम अच्छा हुआ था, सोचा विजिट कर लें, लेकिन यहाँ पर तो आके और ही हब्ज हो गई ज़्यादा यहाँ पे। सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि स्किन से सांस लेता है?
किन से सांस लेता है? हिप्पोपोटामस। गलत जवाब हो गया। आप कुछ सुनाएंगी? पोईम आती है? नहीं। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हमें जू में, बच्चों की फेवरेट प्लेस है, हमारी भी फेवरेट प्लेस है। आज का जो हमारा सवाल है वो ये है कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि जिल्द से यानी स्किन से सांस लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? अहमद नूर। आपका क्या नाम? अहमद मेरा नाम। क्या करते हैं अहमद? जी मैं स्टडी कर रहा हूँ। आप? मैं 9th क्लास में। आप दोनों बहन भाई हैं? कौन सी क्लास, क्या पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं बायोसाइंस। और आप? मैं ये कर रहा हूँ बीएस प्रोग्राम कर रहा हूँ फिजियोलॉजी में। ठीक है, चले। आज कैसे आना हुआ, कैसे प्लान बना आज जू आने का? बस कल बारिश हो रही थी तो हमारा कोई दिल किया कि चलो मौसम अच्छा है, एंजॉय। बारिश कल हो रही थी, आज आ गए। हमने कहा आज भी मौसम सही था तो चलो चक्कर लगाएं। आज ह्यूमिडिटी तो है, जरा हवा अगर चल जाए ना तो बोनस ही हो जाए। वैसे अल्लाह में हवा चला दे। जानवर कौन सा अच्छा लगा जू में आके? बस टाइगर देखा है और एलिफेंट भी देखना था, वो है नहीं है, और स्नेक भी था वो भी नहीं है। आप? मुझे तो हाथी पसंद था, वो तो आया ही नहीं। स्नेक आपने कहा है, आप मुझे बताएं जिंदगी में कितने स्नेक हैं आप? नहीं बस दो तीन ही हैं। पता है? हाँ जी दो। छोटे वो पता नहीं होते कि स्नेक है। हाँ जी, हाँ जी बस दो। अच्छा आप दोनों बहन भाई हैं, ये छोटी बहन है, आप बड़े भाई हैं, आप अपनी बहन को कितना तंग करते हैं ये बताएं? नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं तंग करता। बड़े फिर आप शरीफ भाई, झूठ बोल रहे हैं ना, झूठ बोल रहे हैं। ये ऐसा नामुमकिन हो सकता है कि भाई और वो तंग ना करें। बताइए क्या तंग करते हैं आपको, बाल बाल खींचते हैं? नहीं नहीं, मैं जब मैं टीवी देखती हूँ तब मुझसे रिमोट छीन लेता है, बस ऐसी कहीं पानी का मुझे कहता है पानी पिला दो जोर से ऐसी। बस ना जैसे ही आपको देख रहा है ना ये ऐसे कह रहा है तू घर चल, बहन तू घर चल, तू मुझसे मंगवा शुरमे, मैं तुझे अगर मंगवा के दिया ना। चीज़ें कितनी मंगवाती हैं इससे? मैं छोटा भाई मुझे ला देता, ये तो ज़्यादा काम नहीं इतना कहता, जो मेरा छोटा भाई है वो ला देता है वो। आप अपनी बहन को कितने काम कहते हैं ये बता? नहीं बस दो चार मामूली काम जो हर भाई कह सकता है वो मैं कहता हूँ, और कुछ नहीं। बाकी एक बहन है मेरी। ये तो रिश्ता होता है बहन भाइयों का, अगर ये ना हो ना ये नोक झोंक ये मजे की लड़ाइयाँ अगर ना हो तो ये बहन भाइयों का फिर वो रिश्ता ही नहीं होता। तो आप मुझे बताएं कि आपके वैसे लाइफ के गोल्स क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। डॉक्टर बनना चाहती हैं। आज का हमारा सवाल, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो जिल्द से सांस लेता है? मुझे नहीं पता। कब मार लें? क्रोकोडाइल हो सकते हैं। नो। पहले जवाब हो गया। क्या शेयर करेंगे आज, आप क्या सुनाएंगे? नहीं पता नहीं मुझे। शेर आता है? क्या शेर? कोई शेर सुना दे। मुझे इतना आता नहीं है। आपको? नहीं अभी कोई नहीं। तो आता गाना आता है? नहीं नहीं गाना। मैं तो हिफ्ज़ की है वैसे। तो तिलावत सुनाए ना। तिलावत आती है? आप रिवीजन करती रहती हैं? जी। तिलावत सुना दे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم। चलें माशाल्लाह सूरह नास आपने सुनाई है, और अगर आपको व्यूअर्स इसकी अफादियत का पता लग जाए, जो कि सबको पता है और हमारे बड़े भी हमें बताते रहते हैं वसवसों से हादसात से सबसे बचने के लिए आप ये वली सूरत ज़रूर पढ़ें, नज़र से बचने के लिए भी आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अफादियत होगी। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बहन भाई, आपको बताया कि जब बहन भाइयों में छोटी छोटी लड़ाइयाँ ना हो ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो बहन भाई का रिश्ता है। तो मेरी तो खुद अपने भाई से इतनी लड़ाई होती है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो चले हम आगे बढ़ते हैं, और भी
लोग हैं यहाँ पर, बड़े प्यारे लोग, उनसे बात करते हैं, जैसे कि आपने बच्चे भी देखे। आइए चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आंटी आप? शुक्र अल्लाह का। और क्या बात ही नहीं करने आती। मुझे बताएं मैं आपको कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी लग रही है। आप मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। आज जूम आई हैं, आप कुछ बना के लाई हैं? रोटी शोटी नहीं, वो बाहर होटल से खाएंगे। होटल से खाएंगे। तो मुझे बताएं आप कैसी हैं, जिंदगी कैसी गुजर रही है, किसके साथ आई हैं? अच्छी है, वो मेरा बेटा है। वो आपका बेटा है जो वीडियो बना रहा है? बेटे बड़े प्यारे होते हैं। और बेटियां भी? बेटियां भी। ज्यादा आपको बेटियों से प्यार है या बेटों से? दोनों से ही है। नहीं नहीं, बेटों से प्यार है आपको? नहीं नहीं, दोनों से प्यार। कहाँ है बेटियां? बेटियां अपने अपने घर में है। ब्याही गई हैं? हाँ, शादी कर दी। शादी कर दी। लाहौर से ताल्लुक है आपका? हाँ, एक लाहौर में है ना, नस्ता कॉलोनी में। ठीक है। और दूसरी? दूसरी फैसलाबाद में है। फैसलाबाद भी आ दी थी इतनी दूर? मैं भी उधर से ही आई हूँ। आप भी फैसलाबाद से आई हैं? फैसलाबाद से आई। सुने फैसलाबादी तो बड़ी झुकते लगाते हैं। मुझे रहना लगा रहे थे, मैं लाहौर की हूँ ना। अच्छा, लाहौर। अभी कह रही हैं फैसलाबाद से आई हूँ। नहीं, मैं तो फैसलाबाद में शादी हुई है, तो लाहौर से मैं। आप खुद लाहौर से हैं? ठीक है, समझ गई समझ गई। मुझे बताएं कि आपके मियाँ कहाँ हैं? मेरे मियाँ का इंतकाल हो गया। हाय हाय, अल्लाह उनकी बख्शिश करे। कैसे थे वो, कैसे इंसान थे? माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। बहुत अच्छे थे। अपने बेटों में नजर आते हैं आपको? हाँ, नजर आते हैं। नजर आते हैं। चलें, आज का हमारा सवाल है, मुझे बताएं वो कौन सा ऐसा जानवर है जो अपनी जिल्द से सांस लेता है? ये तो मुझे नहीं आता, मुझे पता ही नहीं है। पता ही नहीं है आपको? मासूम है आप बड़ी। चले, कोई पैगाम देंगी? लाहौर में यही है, भाटी गेट के रहने वाले ही हो, उधर जाके उधर की हो। भाटी गेट की मशहूर चीज क्या है, खाने पीने वाली, पहनने वाली? नाश्ता ही है उधर का। नाश्ता ही है जबरदस्त। तो जब घर में कोई आता है तो हलवा पूड़ियाँ खिलाती हैं उन्हें? हाँ, बहुत जबरदस्त। खुद क्या अच्छा बनाती हैं? नहीं, बाजार से लेते हैं, भटूरे भी मिलते हैं। चले, काम शाम नहीं करती? नान भी मिलते हैं। नहीं, आप रोटियां बनाते हो कि नहीं बनाते? घर में भी बनाते हैं। बनाते हैं रोटियां। आप सालन अच्छा क्या बनाती हैं, कौन सा सालन? गोश्त, मुर्गी चल रही है आजकल, मुर्गी मार्केट में आज फैशन मुर्गी का है। मुर्गी का फैशन। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी और मासूम आंटी थी। आंटी ने कहा मुर्गी का फैशन चल रहा है, मुर्गी इन है, तैयार श्यार होके आती हैं और फिर हमारी प्लेट में होती हैं मुर्गी की। आप बताएं आपको कौन सी डिश अच्छी लगती है? बिरयानी अच्छी लगती है, कोरमा अच्छा लगता है या रोस्ट अच्छा लगता है? बताएं ज़रा। मुर्गी तो हो जाती है हलाल, लेकिन फिर आपके पेट में जाती है। आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनोश है। अनोश, क्या करते हैं? मैं स्टडी BScS कर रहा हूं। BScS कर रहे हैं। जिंदगी में और क्या करना चाहते हैं? मैं आगे इसी स्कोप में जाऊंगा, जो भी लैंग्वेज में सीखी सी है इसमें, उसमें जो भी जॉब मिली है। IT से रिलेटेड है ये फील्ड। चलें, आप बताएं आज जू कैसे प्लान बनाने का? जू एक्चुअली हम साईवाल से आए हैं, तो ये इधर पुप्पा लोग रहते हैं, तो उनके पास आए थे। पुप्पा लोग रहते हैं? हाँ जी। वो पुप्पियाँ इतनी अच्छी होती हैं? जी जी, मेरी पुप्पा बहुत अच्छी हैं, ये खड़ी हुई हैं। अच्छा, अच्छी हैं? वो तो नहीं करती हैं, नाराज़ हो जाती हैं हर इवेंट में, पहले पुप्पी को मनाओ भाई। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छे हैं। मेरी पप्पा मेरी मम्मा जैसी हैं, माँ है मेरी, पापा की बहन है, तो फिर जाहिर बात है अच्छी होंगी। पापा की बहन है तो जाहिर है पापा की बहन को नाराज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल। सोच लें। जी जी बिल्कुल। अम्मी की कितनी दोस्ती है पप्पी से, ये बताएं। बहुत अच्छी है, देख ले सामने खड़े हैं, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी पप्पा है। अच्छा, दोनों की दोस्ती है? जी जी। जवानी में तो नहीं होगी? जवानी में तो नहीं होगी। नहीं नहीं, थी थी शुरू से ही। शुरू से ही है। चलें, अच्छा है। तो आप बताएं कि साईवाल में सबसे मशहूर जगह कौन सी है, कि अगर आप वहाँ पर जाएं विजिट के लिए तो कौन सी जगह? साईवाल में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, वहाँ पे आप एक रिजॉर्ट बनाया है, रिजॉर्ट वहाँ भी छोटा सा जू बनाया हुआ है। अच्छा। और रिजॉर्ट रहने की जगह वगैरह, उधर पूल वगैरह बनाया हुआ है, और उधर का याद वो है यादगार जिसको बोलते हैं, वो सबसे फेमस है। ऐसी चीज़ें काफ़ी। बताएं मुझे कि अगर आपको किसी सिटी में मूव होना पड़े, पाकिस्तान की किसी सिटी में, तो आप कौन सी आपको अच्छा लगता है कि पाकिस्तान का ये शहर बड़ा खूबसूरत है, रहने के लिहाज से अच्छा, तो मैं यहाँ मूव हो जाऊँगा? है तो लाहौर ही है, लेकिन होना नहीं है मूव। क्यों? अगर हुए तो आगे फॉरेन कंट्री में किसी में होंगे। फॉरेन कंट्री में कहाँ जाएंगे? या तो न्यूयॉर्क वगैरह या इंग्लैंड वगैरह, इधर स्टडी के लिए। कोई ऐसी आ गई जिसने जाने ना दिया कहीं, तो फिर कोई बात नहीं, अपना ख्वाब है वो तो पूरा करना ही है। ख्वाब पूरा करना है, तो कोई मंगनी वंगनी हुई हुई है कि नहीं? नहीं नहीं, अभी स्टडी। लड़के बड़े होते हैं ना, तो माएँ कहती हैं इससे पहले कि किसी और को पसंद कर लें, हम इनकी शादी कर रहे हैं। नहीं, हमारी फैमिली वजन वजन कोई पसंद है? नहीं नहीं, हमारी फैमिली एजुकेटेड है और ओपन माइंडेड है। क्या? अच्छा, यानी वो आपको आपकी पसंद से करने दें? कहते हैं, लेकिन जाहिर बात है माँ बाप का एक ख्वाब होता है अपनी पसंद की शादी का, हमने तो बोला हुआ है कि उनकी मर्जी है। तो किसी और लड़की के ख्वाब भी हो सकते हैं?
सकते हैं। कोई बात नहीं, खैर माँ बाप के ख्वाब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलें आप बताएं कि आप शेयर क्या करेंगे, आज क्या पैगाम देंगे? आज का पैगाम किस रिलेटेड से दें? कोई भी आप अच्छा मैसेज दे सकते हैं देखने वालों को, इतने लोग आपको देखेंगे। जू के रिलेटेड दे दें। जू से रिलेटेड दे दें। मतलब ये काफ़ी नेचुरल जगह है, अच्छी है यहाँ पर। मतलब अब हमें हर तरह के एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी अभी फ़िलहाल तो। पहले जब हम आए थे ना लास्ट टाइम, तब यहाँ पर ज़्यादा थे एनिमल्स, अब कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी जगह है। बाहर वाले लोग भी आके देख सकते, बाहर वाली सिटीज़ वाले भी, लाहौर की मतलब सबसे अच्छी जगह है ये। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स आपने देखा इनसे बात हुई कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो बड़े ओपन माइंडेड हैं, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है जब औलाद बड़ी हो जाती है तो औलाद को भी सोचना चाहिए और माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हम कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी कोई रास्ता निकालें। और बिल्कुल ऐसे जवान लड़के जब लड़कियाँ पढ़ते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि अपने लिए पढ़ रहे हैं, तालीम ज़रूरी है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। शुक्र है इस लड़के ने कहा कि मैंने मैट्रिक किया और छोड़ दिया, ये ज़्यादातर मुझे ये सुनने को मिलता है। और मैट्रिक ही हो गया तो सब कुछ निकल गया, आप मैट्रिक करके आगे पढ़ लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो लड़के देख रहे हैं और मैट्रिक के बाद छोड़ चुके हैं, ये के लिए पैगाम है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लोग आए हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम नबील है। नबील क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ, प्री मेडिकल। प्री मेडिकल कर रहे हैं? पार्ट टू में हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि कितना प्रेशर होता है मेडिकल के स्टूडेंट का? तो बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। मतलब मेरे अभी फर्स्ट ईयर के पेपर्स हुए हैं अभी, तो बहुत प्रेशर था और मतलब बहुत ज्यादा स्टडी वगैरह भी करना पड़ता है मेडिकल के स्टूडेंट पे, मतलब एज कम्पेयर टू इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा प्रेशर हो। पढ़ाई में कैसे हैं आप? पढ़ाई में मतलब मैं शुरू से एवरेज हैं या बहुत अच्छे हैं? मतलब पोजीशन होल्डर हूँ मैं शुरू से। होल्डर रहे हैं वो आपके, ये जो पोजीशन होल्डर लोग होते हैं ना, इनमें एक अलग ही एटीट्यूड होता है, इनके एक अलग ही आवाज़ में, वो आपकी आवाज़ से लग रहा है। तो पोजीशन होल्डर लड़के या लड़कियाँ होती हैं, ये हेल्प क्यों नहीं करते अपने दोस्तों की? नहीं, मैं तो फुल हेल्प करता हूँ अपने दोस्तों को। मतलब अच्छा मैंने देखा जो पोजीशन होल्डर होते हैं ना, तो बेचारे बाकी जो क्लास में लोग होते हैं ना, कोई आपसे दोस्ती करना चाहता है तो वो इस डर से दोस्ती नहीं करता है, पोजीशन होल्डर है पता नहीं मेरे से दोस्ती करेगा कि नहीं, ऐसा होता है? एक्चुअली ये होता है ज़्यादा मतलब लड़कियों के साथ होता है कि लड़की पोजीशन वगैरह होल्डर वगैरह हो तो एटीट्यूड है, मुंह नहीं लगाएगी ये वगैरह, इसलिए होता है बिल्कुल होता है। लड़कों में नहीं होता? नहीं, लड़कों में हो चलता है। कुछ लड़के होते हैं जिनकी नेचर लड़कियों की तरह, कुछ होते हैं वो लड़की समझ लो उनको, वो लड़की होते हैं तकरीबन, लड़की होते हैं। आप पक्के दोस्त हैं? अभी आपके स्कूल वाले फ्रेंड्स आपके साथ हैं या नहीं है? अभी तक साथ है, मतलब हम बाहर घूमने वगैरह इवन के मतलब परसों ही हमारा प्लान बना था तो हम साथ ही हैं अभी तक। आप बताएं कि फोन होगा यकीनन आपके पास? जी जी है। अम्मा के कितने फ़ोन आते हैं जब बाहर निकलते हैं तो मामा कहें कि बेटा कब आ रहे हो घर, कब आ रहे हो, मुझे परेशानी हो रही है? नहीं, वो जाहिर बात है मदर है तो उनको तो फिर परेशानी होती है। तो पहली कॉल उठा लेते हैं या दो तीन उठानी पड़ती है? फिर पहली से आगे बात चली जाए तो फिर घर जाके होती भी है ज़रा। जाहिर है अम्मियाँ जो होती हैं वो होम मिनिस्टर होती हैं, और अगर होम मिनिस्टर की बात नहीं सुनेंगे तो फिर आप घर में दाखिल भी नहीं हो सकते। जी जी बिल्कुल। अम्मी से ये ताना मिले जाओ अपने दोस्त के घर जाके रहो? नहीं, आज तक तो ऐसा जाहिर है पोजीशन होल्डर अच्छे शरीफ बच्चे, हमारी अम्मियों से ताने मिलते थे। अच्छा सवाल है हमारा, वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपनी स्किन से सांस लेता है? स्किन से तो मेनली वो एम्फीबियन सांस लेते हैं, रेप्टाइल मतलब के एग्जैक्टली मुझे उसका नाम तो नहीं याद, कोई बड़ा आसान सा जानवर है वो, लिजर्ड है? नो नहीं, फ्रॉग। जी बिल्कुल सही जवाब, मेडिकल के स्टूडेंट है। मुझे बताएं कि सबसे पहले जब 9th या 10th होता है तो उसमें फ्रॉग और कॉकरोच का जो है वो ऑपरेट होता है, ऐसा क्यों है वो? बस लॉजिक क्या है? नहीं, वो होता है कि बेसिकली हम जो उनके ऑर्गन्स होते हैं वो उनको स्टडी करने के लिए होता है, उनको डाइसेक्ट वगैरह किया जाता है, फिर उनके ऑर्गन्स दिखाए जाते हैं, उनको स्टडी किया जाता है, इसलिए होता है। नहीं चले, फ्रॉग की तो समझ में आती है, कॉकरोच वाला क्या हिसाब है? आपको पता लड़कियों को कितना डर लगता है कॉकरोच से? कॉकरोच बस पता नहीं, मतलब हमारी मैम, हमारा जब एक्सपेरिमेंट हुआ था हमारी मैम खुद डरी जा रही थी, तो हमने मतलब खुद उसको डिसेक्ट किया था, सारा कुछ किया था, तो मैम खुद डरी जा रही थी कॉकरोच से। तो मैम ने फिर कॉकरोच कर निकाला कैसे उन्होंने सारे उसकी? पता नहीं, मतलब ये था कि जो हमारे एक मेल टीचर थे उन्होंने फिर आगे हेल्प किया था और मैम ने सारा जो एक्सप्लेन किया था। चले ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज मेरा यही है कि जो ज़ू की इंतज़ामिया है उसके लिए मैसेज है कि एक तो इधर जानवर को कम है काफ़ी, और एक तो ये जो चल रही है अभी इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है वो जल्दी से जल्दी की जाए, और जो एनिमल्स की लिविंग कंडीशन है उनको थोड़ा बेहतर किया जाए। मैं अभी हमने लगाया है पूरा राउंड लगाया है, तो कुछ ऐसे जानवर हैं मतलब हम देख रहे हैं कि उनकी लिविंग कंडीशन वगैरह इतना सही नहीं है, पानी की सही फैसिलिटेशन नहीं उनको दी गई, तो ये उनसे है कि ज़रा इसको करें, अपडेट करें और जल्दी से जल्दी जो है ये कंप्लीट किया जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू व्यूअर्स। आपने देखा कि इन्होंने इंतजामिया को जो है वो पैगाम दिया। आगे बढ़ते हैं और लोग यहाँ पर आए हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? यूनिका नदीम। यूनिका, यूनिक, यूनिक से यूनिका।
यूनिक भी है आप। जीतनी हूँ तो ना मैं। नाइस। चलें बताएं आज कैसे प्लान बना जू आने का। बस कजन्स आए हुए थे आउट ऑफ सिटी से, तो बच्चे भी थे साथ, उन्होंने कहा कि हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाहौर, तो उसमें हमने कहा कि कल हम और जगह गए हुए थे फोर्ट्रेस वगैरह, तो कल हमने आना था लेकिन कल अनफॉर्चुनेटली जू बंद था, तो फिर आज हमारा प्लान बना के बच्चों को जू का विजिट करवा दें। ये तो अच्छी बात है। कजन्स जब आते हैं तो क्या क्या और क्या गेम्स खेली जाती हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना जब कजन्स इकट्ठे हो जाएँ तो रात को फिर जागते भी हैं, गेम्स भी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो आप कोई गेम्स खेलते हैं या नहीं खेलते? कार्ड्स भी खेलते हैं, लूडो भी खेलते हैं, उसके अलावा और भी मतलब मूवीज़ वगैरह देख लेते हैं रात को। कौन कौन सी मूवीज़ आजकल देखी जा रही हैं फिर? आजकल तो अक्सर के जब गांव वाले के साथ आए तो अक्सर पंजाबी मूवीज़ भी देख लेते हैं, जैसे होगी या नहीं। वो आ गई है वैसे टीवी पे? नहीं अभी तो सिनेमा में, तो रात को हम उधर देख। अच्छा सिनेमा गए थे, चलें ये तो अच्छी बात है। आप बताएं, हमारा सवाल है आजकल जू आई हुई है तो एनिमल से रिलेटेड आपको इंटरेस्ट होगा? किसी को नहीं भी इंटरेस्ट होता है, ऐसी आदत है, अच्छा चलो घुमाने के लिए आ गए। वो कौन से जानवर है जो कि अपनी स्किन से सांस लेता है, जिल से? अपनी स्किन से? आई हैव नो आइडिया ऑन दैट। तो मैसेज देंगी आप? बिल्कुल, ये कि आपको अपनी फैमिली के साथ आना चाहिए, फैमिली टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी नहीं होता कि सिर्फ दोस्तों के साथ यारों के साथ जाए, अपनी फैमिलीज के साथ कजन्स के साथ भी आपको जो है ना वो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो इन्जॉय किया होगा। आज का जो हमारा सवाल था वो बड़ा आसान सा सवाल था कि वो कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अपनी स्किन से सांस लेता है, तो वो है मेंढक। बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया लेकिन बहुत सारे लोगों ने जवाब नहीं दिया। आपने प्रोग्राम देखना नहीं भूलना है जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और जाते जाते आपने बहुत ख्याल रखना है अपना, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम ये सोचते हैं कि बारिश हो रही है तो मौसम अच्छा हो गया और बाहर निकल जाएँ, ज़रूर निकलें, लेकिन ये भी देखें कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हब्स बहुत ज़्यादा है, उससे दिल बड़ा घबराता है। बच्चे जो हैं उनमें बहुत कम कैपेसिटी होती है कि वो बता सकें कि हमारे अंदर बर्दाश्त है कि नहीं है, तो अवॉइड करें ऐसी जगहों पर जाने से जहाँ पर हब्स ज़्यादा होती है, क्योंकि जू आपको पता है यहाँ पे दरख्त है, ग्रीनरी है, तो जहाँ पे ज़्यादा ग्रीनरी होती है वहाँ पे हब्स ज़्यादा हो जाती है। तो आपने अपना ख्याल रखना है, स्पेशली जो बड़े बूढ़े हैं, हमारी माएँ हैं, उनका भी दिल बड़ा घबराता है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बाहर निकलना है तो आप बाहर निकलें अपने कज़न्स के साथ, जैसे इन्होंने हमने लास्ट इंटरव्यू में देखा कज़न्स निकले हुए इन्जॉय कर रहे हैं, फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो वो ज़रूर करें और कोशिश कर लें कि आप रात को निकल जाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो आज यहीं पर हम जो है वो प्रोग्राम एंड करते हैं। आपने बूझो तो जीतो हमारा पेज है, उसको भी ज़रूर फॉलो करना है। मैं हाजिर हूँगी अगले एपिसोड में एक नई लोकेशन के साथ, एक नई एक्साइटमेंट के साथ, प्यारे प्यारे लोगों के साथ और अच्छे से कंटेंट के साथ। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।